अगर आपके वीडियो पर भी व्यू नहीं आता है तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, ये आपके लिए ही है। व्यूज भी आएगा इस वीडियो को आप देख लेते हैं और जिस तरह से हम बता रहे हैं इस वीडियो में उस तरह से अपने चैनल का सेटिंग करते हैं तो व्यूज भी आएगा और सब्सक्राइबर भी आएगा और वॉच टाइम भी आएगा और चैनल मोनेटाइज भी होगा। सिर्फ इस वीडियो को आप देख लीजिए। सबसे पहले गाइस, यूट्यूब का कुछ सेटिंग होता है जो YT स्टूडियो से होता है, क्रोम के YT स्टूडियो से, वो सेटिंग सब ऑन होगा तभी आपके चैनल पे व्यूज आएगा और सब्सक्राइबर भी आएगा। तो ये सारा सेटिंग, जितना सेटिंग है गाइज, इस वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। अगर कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले गाइज क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउजर में टाइप करेंगे studio.youtube.com, studio studio के बाद studio.youtube.com। ध्यान रहे गाइज, studio.youtube.com के बीच में कहीं पे स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो YT स्टूडियो है क्रोम का वो ओपन नहीं होगा। इस तरह से टाइप करके गाइज क्या कीजिएगा, यहाँ सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका स्टूडियो YT स्टूडियो जो है क्रोम का वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइज नीचे में जब जूम कीजिएगा इसको तो नीचे में आपको सेटिंग दिखेगा बाएं साइड कॉर्नर में, यहां देखिए गाइज सेटिंग का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज ये ऊपर में जनरल सेटिंग है, उसके बाद चैनल है, तीसरे स्थान पर अपलोड डिफॉल्ट्स है, उसके बाद परमिशन है गाइज, फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस, फिर क्रिएटर्स, डेमोग्राफिक्स है, प्रमोशंस है, एग्रीमेंट्स है। आपको इस सब ऊपर में से पहले जनरल सेटिंग में ये देखना है, जनरल सेटिंग में ये चीज देखना है कि आपका जो करेंसी है USD US डॉलर में है कि नहीं है, ये रहने देना है। उसके बाद चैनल सेटिंग में जाना है गाइज, दूसरे स्थान पर जो चैनल है उस पर जाना है और यहाँ क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके कुछ इस तरह से बेसिक इन्फो का ऑप्शन आएगा, बेसिक इन्फो पर यहाँ गाइज उस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ कंट्री ऑफ रेसिडेंस जो है इसमें आप अगर इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर दूसरा देश से है तो जिस भी देश से हो वो देश सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसलिए सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना देश क्योंकि आप जिस देश में हो उस देश का आदमी आपका लैंग्वेज जो है वो ज्यादा यानी कि समझ पाता है। दूसरे देश में अगर दूसरा देश गाइज यहाँ पे सेलेक्ट होगा तो उस देश का वीडियो उनके पास पहुंचेगा भी तो वो वीडियो आपका नहीं देखेगा क्योंकि आपका लैंग्वेज उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ कीवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ कीवर्ड टाइप करना है गाइज। पहले मेरा चैनल का नाम जो है वो चैनल का नाम टाइप किए हुए देख रहे हैं किस तरह से टाइप किए हुए हैं। उसके बाद जिस कैटेगरी का आपका चैनल है, जैसे आपका डांस का चैनल है तो यहाँ पे डांस लिखना है, अगर सिंगिंग का है तो सिंगिंग लिखना है, उसी को हेर फेर करके 500 वर्ड तक इसमें लिखना है, उससे कम भी लिख सकते हैं, 500 से ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद गाइज एडवांस सेटिंग में जाना है और एडवांस सेटिंग में यहाँ आप वीडियो जो बना रहे हैं किसके लिए, बच्चे के लिए बना रहे हैं, अगर बच्चा के लिए बना रहे हैं गाइज तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है, जूम करके हम दिखाते हैं यहाँ पे, ये सेट दिस चैनल इज मेड फॉर किड्स, आई ऑलवेज अपलोड कॉन्टेंट दैट्स मेड फॉर चिल्ड्रेन, इस ऑप्शन पे ऊपर वाले पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप बच्चा के लिए नहीं बना रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है गाइज नो सेट दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड कॉन्टेंट दैट्स मेड फॉर चिल्ड्रेन, कभी आप बच्चे के लिए नहीं अपलोड करना चाहते हैं इस चैनल पे तो बीच वाले पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप प्रत्येक वीडियो में सेटिंग अपने हिसाब से करना चाहते हैं, कभी आप बच्चे के लिए भी वीडियो अपलोड कर देते हैं तो आप नीचे वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, तो हम नीचे वाले पे रखे हुए हैं, देख रहे हैं गाइज। उसके बाद गाइज इसको फीचर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है गाइज, इस पर क्लिक करना है।
और उसके बाद गाइज इसमें देखना है कि आपका इनेबल है कि नहीं, स्टैंडर्ड फीचर्स इनेबल यूट्यूब चैनल बनाते टाइम ही हो जाता है। उसके बाद दूसरा इनेबल करना पड़ता है गाइज, इंटरमीडिएट फीचर जो है ये वाले, इसको इनेबल करना पड़ता है। तो इसको इनेबल कर लीजिएगा। उसके लिए गाइज यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ जो है स्टैंडर्ड फीचर्स ये सब इनेबल है, वेरीफाई फोन नंबर, इसमें फोन नंबर देकर ही वेरीफाई करना पड़ता है, तब जाके इनेबल होता है। उसके बाद गाइज यहाँ से बैक जाना है और अपलोड डिफॉल्ट्स में जाना है। अपलोड डिफॉल्ट्स में जाने के बाद गाइज यहाँ विजिबिलिटी है जो अनलिस्टेड रखना है या प्राइवेट रखना है। यहाँ पे इसमें पब्लिक अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो वीडियो अपलोड करते वक्त ही पब्लिक हो जाएगा आपका वीडियो, अगर वहां ध्यान नहीं देते हैं सेटिंग पर, तो इसलिए इसको अनलिस्टेड या प्राइवेट रखना है। उसके बाद गाइज एडवांस सेटिंग में जाना है और एडवांस सेटिंग में यहाँ जो है अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स एंड की मोमेंट्स, इसको टिक कर देना है। उसके बाद लाइसेंस में गाइज ये स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रहेगा। कैटेगरी में आपका कैटेगरी किस टाइप का है, वीडियो आप किस टाइप का बना रहे हैं, डांस वाला वीडियो या एजुकेशनल वीडियो या कॉमेडी वीडियो, किस टाइप का, जो भी टाइप का बना रहे हैं यहाँ वो टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ लैंग्वेज एंड कैप्शन में हिंदी लैटिन, अगर आप हिंदी में बनाते हैं तो हिंदी या लैटिन ये दोनों में से कोनो एक सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद गाइज कैप्शन सर्टिफिकेशन, इसमें जो है गाइज इसमें नन रहने दीजिएगा, कैप्शन सर्टिफिकेट में आप चूज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है गाइज, तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में क्या कीजिएगा, आप टाइटल जो है किस अथी में लिखते हैं, हिंदी में कि इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा इंग्लिश इंडिया, अगर हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज कमेंट्स वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन रहने दीजिएगा और यहाँ जो है सो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो पे लाइक करता है तो आप यानी कि कोई भी दूसरा व्यूअर्स देखना चाहता है उसको दिखाना चाहते हैं तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं टिक भी कर सकते हैं लेकिन टिक रहने दीजिएगा सही रहेगा। उसके बाद गाइज यहाँ सेव का ऑप्शन है, यहाँ सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। अब गाइज इसके बाद जो भी वीडियो आप अपलोड करते हैं वो आपका वीडियो पे व्यू आएगा, और व्यू आएगा जब ही पब्लिक के पास पहुंचेगा तो जरूर है आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर 100 व्यू आया तो एक सब्सक्राइबर तो कम से कम जरूर है उस पर मिलेगा, अगर 1000 व्यू आया तो कम से कम 10 सब्सक्राइबर मिलता है, इससे ज्यादा भी मिलता है, लेकिन 100 आदमी देखने पर एक जरूर है उसमें से एक न एक सब्सक्राइब करेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में गाइज बेल आइकन भी दबा लीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।